बीफ बेसल। बीफ बेसल एंड लेडी चिकन बेसल। चिकन बेसल। तो ये हमारी टेबल का एक पूरा माहौल बन चुका है खाने का। जंप मार दे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शपेक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचेश एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे में डे 10 इन थाईलैंड और आज हम लोग कराबी में। अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा हम लोग बैंकॉक से निकले, कहाँ गए और कल हम कराबी के अंदर थे, परसों रात पहुँचे थे कराबी। फिलहाल भाई खड़े अपने होटल के अंदर, अभी बस रूम से निकल के रेडी शेडी होके हैं। आज हम लोगों ने आगे जाना है फीफी आइलैंड की तरफ, उसकी भी डिटेल आगे बताता हूँ। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है, जिसमें ये बाहर हमारे पास लाइव स्टॉल है, इसके अंदर ये ऑमलेट बना रहे होते हैं, पैनकेक्स बन रहे होते हैं, उसके अलावा चाइनीज़ फ्राइड डो बन रही होती है। तो यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें और अंदर है बहुत ही जाइंट किस्म का बफे। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं मज़े की बताता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें हलाल हैं। अब हलाल किस तरह है कि ये कराबी जो है यहाँ पे 75-80% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और एक ही बड़ी मार्केट है, तो वहाँ से सारा यहाँ पे मीट आता है, पोर्क के अलावा वो सारा हलाल होता है क्योंकि मुसलमानों की वो मार्केट है, तो इसलिए मुस्लिम फ्रेंडली टाइप चीज़ होती है। लेकिन हाँ, आप देख लोगे जो पोर्क वाली चीज़ है उसको हाथ मत लगाओ। पहली शिफ्ट में मैंने लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अलावा कॉर्न्स वगैरह, ये चीज़ें। और आज हमारे जितना वाइड इनकी मेन्यू है उतना हमारे पास टाइम नहीं है। 7:15 हुए हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ से निकल के 2 काम करने हैं। खाना डन मन और तुन के खाया, खाना छोड़ना तो नहीं था। अब आपको इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बताया कि कैसा, क्योंकि जो मेन डिशेज़ थी थाई वो मज़े की नहीं थी बिल्कुल भी। बाकी जो ब्रेड्स थी वो मज़े की थी, फ्रूट मज़े का था, वेजिटेबल्स मज़े का था। अब उसमें बंदा क्या बताए कि ये ऐसा है गाइस। खैर जी, अभी शुरू होने जा रहा है हमारा दिन। आज सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं फीफी आइलैंड्स और हमें जिन्होंने पिक करने आना है, जो हमें ट्रांसफ़र करवाएंगे फेरी तक, गाड़ी आएगी पिक करेगी, फेरी तक छोड़ेगी, फेरी से आगे फीफी आइलैंड जाएंगे, उसने पहुँचना है 8:30 पे और अभी 8 बज चुके हैं। हमने अपनी जो स्कूटीज़ कर ली थी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो वो हमने आज 8:20 पे वापस करनी है और पैसे भी एक्सचेंज करवाने हैं जो कल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारे पास सारा अभी USD पड़ा है, उसको थाई बात में कन्वर्ट करवाना है और बाइक वापस करनी है। ये 2 काम करने हैं अभी 20 मिनट के अंदर। हमारी स्कूटीज़ वो दोनों आ गए हैं। कौन सी वाली से करवाना है चेंज? इंडियन का पता करते हैं पहले। कल एक जगह से पता किया था, वहाँ पे डॉलर का रेट हमें बहुत बुरा मिल रहा था, 32 बात एक डॉलर के। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अरसलान और उमेर ने लिया था वो 34 था। कहाँ है मुझे तो लगता था कि थाई लोग बहुत ज़्यादा ऑन टाइम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब सब हर जगह गूगल मैप्स से एक्सचेंज वाली दुकानों का लिखा था 7:30 मैक्सिमम 8 बजे खुल जाती हैं, अभी तक कोई नहीं खुली। उसके बाद स्कूटी वाली दुकान जो है वो 8:30 खुलती है, हमने इनको बोला था 8:20 पे हमसे ले लेना एग्जैक्ट, कहते फिर 8:20 पे आप एग्जैक्ट यहाँ पे हो, हम यहाँ पे होंगे। हम 8:20 के यहाँ खड़े हैं, अभी 8:32-33 हो गए, अब आए हैं ये। अभी इनको स्कूटियाँ वापस करके जाना है, दुकान बंद पड़ी है अभी तक, ये देख लो पीछे। ओके आंटी, चलो होटल पहुँचे हैं, वो गाड़ी आने वाली है। मंडी जा रहे हो बकरे लेने? कराबी का वेदर अनप्रडिक्टेबल, जिस तरह कल हरकतें हो रही थी आज भी वही की है, बिल्कुल साफ धूप निकली हुई थी। वो अभी जो वैन में आ रहे थे एकदम शुरू बारिश शुरू होगी और वो कैमरा फिर मैंने अपना वाटरप्रूफ बैग में रख दिया, ये GoPro बाहर आ गया, अभी मैं फ़िलहाल यही रखूँगा यार, क्योंकि इधर उधर बादल भी फिर रहे हैं, वो एकदम बारिश आती है तो वो इतनी जल्दी उसी बारिश में बैग खोलने तो वो बाकी भी इक्विपमेंट ख़राब होता है, तो इसलिए फ़िलहाल GoPro से ही चलेगा काम। ये खड़ी हैं फेरीज़, इन फेरीज़ के अंदर हम सवार होंगे एक से दूसरी पे और फिर हम जाएंगे फीफी आइलैंड, फीफी फूफी फूफा आइलैंड। ओए होए 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 होए, बोट चलने का टाइम तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 9 टाइप कुछ इस तरह का था, लेकिन थोड़ी लेट चली, लेकिन अभी चल पड़ी है शुक्र है। और आज धूप, अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत अनप्रडिक्टेबल वेदर है कराबी का, अभी फुल धूप है और कुछ देर बाद ऐसा होगा जिस तरह एकदम से बारिश आएगी बहुत तेज़, जिस तरह दूर बादल फिर रहे हैं वो एकदम आते हैं बरस जाते हैं। अभी रेले बीच वाली साइड से गुजरी है फेरी, लेकिन मैं आपको ये ज़्यादा दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि हमने जब आना है ये तब दिखाऊँगा।
अभी कुछ झलकियाँ इसकी बहुत खूबसूरत है। ये सामने सारा रेले बीच है, जो फेरी चलती है वो चलती है करबी से, और अगर आप रेले बीच पे और वहाँ से पीपी आपने जाना है तो इस तरह से ये आपको लॉन्ग टेल बोट्स जो हैं वो वहाँ से पिक करती हैं रेले से और वो लेके आती हैं फेरी के पास। फेरी का यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है एग्जैक्ट कि बड़ी फेरी जाके रुक पाए, तो इस तरह ये वाली जो लॉन्ग टेल बोट्स होती हैं ये आती हैं फेरी के साथ, चिपकती हैं और सवारियाँ उतर के शिप में आ जाती हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये चिकन आइलैंड, क्योंकि इसका ये जो मुंह निकला हुआ है इसकी वजह से इस आइलैंड का नाम है चिकन आइलैंड। उनको लगता है मुर्गी ने अपना मुंह निकाला हुआ है, इट्स नेचुरल। पहले हम लोग बैठे थे अंदर, थोड़ी देर ही अंदर बैठे, उसके बाद बाहर आके बैठ गए थे सब लोग, ऑलमोस्ट बाहर बैठे अंदर कोई तकरीबन 6-7-8 लोग अंदर बैठे, बाकी सारी बोट पीछे भी ये भरी हुई है। इनको तो सनबात की पड़ी रहती है, हम वो ले नहीं सकते, ऐसे ही सड़ जाने हैं, पता नहीं सानू की रोल है। और फेरी के आगे भी सब लोग भरे हुए हैं, तो आगे हमने बाद में, पहले हम जा नहीं रहे थे, तमीज़दार बन रहे थे, वो गोरे आगे चढ़ने लग गए, उसके बाद जगह ही ख़त्म हो गई। खैर अभी हमारे सामने ऑलमोस्ट जो है वो फीफी आइलैंड यहाँ से शुरू होना शुरू हो गया। यहाँ पर जाके अभी हमने डिसाइड करना है कि हमने आज की रात रहनी कहाँ पर, क्योंकि हमने जो होटल बुक किया हुआ है वो करबी में है, एंड तक करबी में बुकिंग चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर आज का दिन रहना है तो वो देखेंगे किस जगह पर रुकेंगे। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पे रुकना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ लग रही है कि हम लोगों ने एक छोटी सी गलती की है कि करबी हमने 5 दिन का स्टे ले लिया और 1 डे टूर के लिए हम लोग फीफी आए हैं, जबकि यहाँ पे जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ वो सारे आए हुए हैं अपने पूरे पूरे बैग लेके। तो मेरा ख्याल है कि फीफी इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग यहाँ पर काफ़ी दिन रहने के लिए आ रहे हैं, जिस तरह हम कोसम वहीं पर रहे थे लोग उसी तरह आ रहे हैं अपने बैग शैग लेके पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा एक आइलैंड है और एक बहुत मेन अट्रैक्शन है ये थाईलैंड की। तो मुझे लग रहा है कि हमसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होगी, अभी आगे देख के पता लगेगा। अगर तो जगह बहुत ही खूबसूरत हुई तो मुझे तो अफसोस ही होते रहते हैं कि हम लोगों ने ये मिस किया है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकना। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी जगह है, लेकिन कोई अगर महीने के लिए आया है ना, हाँ उसके लिए बनता है कि हफ्ता रुके यहाँ पे। चलो 20 baht फॉर व्हाट? फॉर एंट्री, एंट्री एट फीफी आइलैंड 20 baht। तो ठीक है, रात वाला ही है, लेकिन फिर भी एक और देख लेते हैं। USD का यहाँ पे रेट मिल रहा है 33.23। मेहनत लग रही है, मेरा बटवा किसी ने काट लिया, तो हज़ारों डॉलर करा, हज़ारों करा लूँ बस, थाईलैंड का हो गया राजू। चाचू $300 दे दे, $300 34 प्लीज, 34 दे दे यार, दे दे यार, और 34 दे दे, 9,969 baht। भूख लगी हुई है शदीद, और होटल लेने से पहले हम लोगों ने सोचा एक दफ़ा बैठ के कुछ खा लेते हैं ताकि दिमाग खुल जाए। भी मैकडोनल्ड्स यहाँ पे हलाल नहीं होता थाईलैंड में, बट करबी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हलाल मीट बहुत आता है, तो हम मैकडोनल्ड्स से पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास भी हलाल आता है या नहीं आता है। आंटी कह रही हैं चिकन हलाल, मैंने सोचा कि चिकन हलाल तो बीफ क्यों नहीं हलाल, पूछा बीफ हलाल, कह दी नो ओनली चिकन हलाल, तो मतलब हम यहाँ पे चिकन बर्गर खा सकते हैं। मैकडोनल्ड्स से बाहर निकल चुके हैं, उसकी वजह ये है कि चिकन बर्गर में सिर्फ एक ऑप्शन थी मैक चिकन, और मैक चिकन खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। ग्रैंड चिकन स्पाइसी होता है ना, बड़ा होता है, पेट भरता है, मैक चिकन मैं खाऊं तो 3 खा जाऊं मैं पता ना लगे। ये एक हलाल कार्ट कोई नज़र आया, हलाल 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 हलाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, फोर पर्सन तोम याम कुंग तोम याम चिकन चिकन तरम दम टिकीला सम्बूका अवार्ड अस्तगफिरुल्लाह, ओए नीचे देख नीचे। किचन रेड इज मस्ट, पाकिस्तान हो या थाईलैंड हो, कितने बाजी खाना पक रहे हैं दिखाओ। चिकन केशु नट्स, चिकन केशु नट्स, चिकन केशु नट्स तैयार हो रहे हैं। चिकन बेसो एंड बीफ बेसो, ब्यूटीफुल, सेम माय मिक्स, लेस स्पाइसी, लेस स्पाइसी, लेस स्पाइसी, मिक्स नॉइज़, ओके, यस। खुशबूएं चढ़ रही हैं, और इनकी खुशबू जो होती है ना थाई फूड की, मैंने अभी तक जितना भी बैंकॉक से लेके यहाँ तक थाई फूड की जब खुशबू उड़ती है तो वो आपके नाक के अंदर स्पाइसेस थोड़े से जाते हैं, तो वो बंदा करता है।
जगह का नाम है जी हुआ पान रेस्टोरेंट. To me, you come inside fried chicken. Yes. Yeah. Chicken cachunas, beef basil. Beef basil. And lady chicken basil. Chicken basil. तो ये हमारी टेबल का एक पूरा माहौल बन चुका है खाने का. अच्छा जी, ऐसे करके ऐसे करके. You want fish sauce, lady? ओह चिकन कैशनट जिस तरह का होता है बेटो. लेस स्पाइसी करवाया हमने क्योंकि थाई फूड बहुत स्पाइसी होता है. हल्का सा स्वीट है, हल्का सा स्वीट और थोड़े से स्पाइसेस हैं. ओके जी, सेकंड चीज़ मेरे पास है बीफ बेसल. बीफ बेसल विद वाइट राइस. ओए हाय, ओए हाय, बीफ बेसल हल्का हल्का च्यूई सॉल्टी सावर और एक आपको एक ज़रा फ्राइड फील दे रहा है बीफ और साथ में वो जो अनियन रिंग्स आ रहे हैं साथ में बेसल लीव्स आ रहे हैं, क्या बात है. तीसरी चीज़ हमारे पास है चिकन बेसल और चिकन बेसल बना बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट सेम तरीके जिस तरह बीफ बना हुआ है, बट इसके अंदर बस ये है कि इसको इन्होंने मीट को चेंज कर दिया. ओहो हो शाइनी शाइनी. आय हाय आय हाय आय हाय 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 वेरी गुड. कब कुन क्रा, थैंक यू. क्या लिटिल कॉम्बिनेशन. अगली चीज हमारे पास है तोमयाम राइस. तोमयाम राइस विद बीफ, इसमें बीफ है और डिटो वो सूप वाला देखा जो होता है थोड़ा आपको सी फूड वाइब आती है सूप में से और एक यखनी टाइप जिस तरह मिर्चों वाला एक शोरबा सूप होता है उस टाइप का लेकिन बहुत खट्टा होता है स्पाइसी. अच्छा बेसिकली थाई फूड में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, होती है लेकिन वो चीज़ें मतलब इसी तरह होता है कि एक आता है स्टेयर फ्राई वाली ऑप्शन और एक आती है करीज की ऑप्शन. दिस इज पनामानी. रूम डन. इसकी हमने कोई बुकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी रूम्स ऑलरेडी कराबी में बुक हैं तो हमने सोचा था यहाँ आके बस हमने सिर्फ पूरा दिन फिरना है, सिर्फ रात को सोना है, अगले दिन हमने उठ के फिर एक दो शायद बीच देखने और वापस कराबी निकल जाना है. तो रूम हमने ले ली हैं दो और एक रूम 700 वाट का इस ट्रिप का सबसे चीपेस्ट रूम ये वाला. जाओ अपने कमरे में, शाबाश. ले जी बॉयज, आपको चीपेस्ट रूम टूर दे देता हूँ इस ट्रिप का, चीपेस्ट रूम टूर. अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ, थाईलैंड के अंदर हमारे पाकिस्तान में होता है ना बटन इस तरह है तो ऑन है, यहाँ पे होता है अगर ऑफ है तो ऑन है. खैर ये एक सिंपल सा वॉशरूम है, रंग बिरंगी सी दीवारें और दो बेड पड़े हुए हैं सिंपल, दो चेयर्स पड़ी हैं. रूम में जाके बस सामान फेंका, सामान फेंकने के बाद रेडी हुए, मैं तो कच्चा शर्ट पहन लिए, बाकी कपड़े उतार दिए क्योंकि अभी अब अगर हम बीच साइड पे जाते हैं माया बे है, फिले लगून है, काफ़ी जगह भी देखते हैं कि हम जा कहाँ सकते हैं क्योंकि पौने दो हो चुके हैं. और ये जो गलियों में मैं फिर रहा हूँ आपने ये नहीं सोचना कि ये पता नहीं कितने गलियाँ बढ़िया फिरता है. ये विलेज का नाम है तोनसाई विलेज, फीफी आइलैंड्स के अंदर तोनसाई विलेज है और फीफी ऐसी गलियाँ जिनके अंदर मैं फिर रहा हूँ अभी. ये तो खैर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसी तरह की गलियों का ये एक विलेज है और इसके साइड पे खूबसूरत थाईलैंड के बहुत खूबसूरत बीचेस के अंदर से जो मोस्टली हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब फीफी आइलैंड कराबी और फुकेट के दरमियान में आता है. तो इसी तरह की गलियों के अंदर आप फिर सकते हो, एक गाँव बना हुआ है बड़ा खूबसूरत अंदर और इस गाँव से सिर्फ उस तरफ सामने जाएंगे तो एक और बीच है, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बीच है और क्या मतलब खूबसूरत पानी नज़ारे. ओए होए होए, मतलब ये कि पानी के अंदर मछलियाँ आपको तैरती भी नज़र आती हैं. अभी हमने जुगाड़ लगाना है कि हमें कोई प्राइवेट बोट जो है वो ले जाए. आवाम सारी हमें लग रहा है फिर के वापस आ चुकी है क्योंकि दो बज चुके हैं, लोग सुबह निकलते हैं. बीबी ले माया बे फिले लगून हाउ मच. यस ओके सी यू. सुबह मुझे रश में रेट 2000 मिला था, वो अलग बात है, वो जलालत फिर लिखी हुई तो लिखी हुई. किधर है बंदा उमेर? प्लान डन, स्नैक्स ले लिए, अभी हमने अपनी बोट पे सवार होना है लॉन्ग टेल बोट और उसके बाद हम लोग जाएंगे. जो हमने पैकेज एक लिया है वो है यहाँ से हम लोग जाएंगे वाइकिंग केव्स, फिले लगून, माया भी एक जगह जहाँ पे 2000 में लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी शूट हुई थी द बीच, लेकिन वो आज बहुत तेज़ लहरों की वजह से क्योंकि मौसम समंदर कैसा है बहुत तेज़ लहरों की वजह से वो बंद पड़ा है तो वो नहीं देख पाएंगे. अगर कभी आओ तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे लाजमी जाना. और ये हमारी लॉन्ग टेल बोट रेडी खड़ी है. जमीन के साथ लग गई, उल गया मैं भी उधर, वो सारे एक तरफ ना हो यार. लॉन्ग टेल बोट का सीन ये होता है कि इसमें आपको वेट इक्वल रखना पड़ता है दोनों साइडों पे, वरना कोई खड़ा हो चलती के अंदर तो ये ऐसे ऐसे अभी हम यहाँ खड़े होते हैं तो इस तरह हो जाती है पूरी. उमेर की छोड़ के सबके लिए, उमेर के लिए सिर्फ पानी है, बाकी मैं मुझे यहाँ तू क्या पकड़ रहा है, तूने खुद कहा है मैंने कुछ नहीं लेना.
उमेर को काफी टेंशन हो रही है खवातीनों साथ। उमेर फटे फूटे थाम के बैठा है। थोड़ी थोड़ी फटिंग्स हो रही है। ओए यार क्या नजारा है यार। ओए होए 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 स्पॉट आ चुके हैं और ये जहाँ से हम लोग चढ़े हैं बस में उधर से सिर्फ कितना है 10 मिनट होगा, 10 भी नहीं पूरे हुए होंगे, 10 मिनट ऑलमोस्ट। वही एक लाइन है। बट पानी देख नीचे क्रिस्टल क्लियर। अभी मैं फिले लगून के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे क्या होगा। ओए मछलियाँ, पानी ऐसा पानी यार खूबसूरत। ये मंकी भी है वो बैठा था। ओए बंदर सामने हमारे लिए बैठा है रेडी होके। जंप मार दे जंप मार दे। इसके अंदर उतरना है क्रिस्टल क्लियर वाटर। ओके चाचू मिलते हैं। ये आप सीन चेक करो सिर्फ कि पहाड़ किस तरह से स्ट्रेट कटिंग में है यार। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत व्यू है। ओए मेरी जान निकल गई। ये मंकी बीच इसीलिए कि यहाँ पे बंदर हैं और उन्होंने कहा है कि इसके साथ कोई पंगा ना करना, ये एक सेकंड लगाएगा आपको पूरा खरोच देने में। और खुले फिर रहे हैं ये सामने। वो मंकी सामने फेरी के अंदर चला गया और सबकी अखीर हो गई है वहाँ पे। और उसको स्विमिंग भी आती है चेक कर। ये भी मंकी स्विमिंग कर रहा है और स्विमिंग करते हुए खाने खा रहे हैं। अच्छा इनके साथ पंगा लो, इन बंदरों के साथ है ये छोटे छोटे, पता नहीं कौन सी ये नस्ल है, इनके साथ पंगा लो तो ये आगे से आपको तंग करते हैं, वरना ये बिल्कुल अपना माहौल मस्त माहौल में फिर रहे हैं। बस किसी कश्ती के अंदर चले जाएं तो छलांगे लग जाती हैं सबकी। यार मुझे कोई यहाँ खड़े हुए अभी 20 मिनट हो चुके हैं। इतना ये खूबसूरत बीच है, वाइट सैंड बीच भी इसको कहा जाता है। इस पे यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, येलो ग्रीन, पीछे ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे वाइट सैंड है। वाइट सैंड भी इस तरह मुझे, मैं पैर रखता हूँ तो वो लगता है कि बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है कि वो ऐसे स्लिप होती है, इतनी सॉफ्ट वाइट सैंड है। और उसके अलावा सामने ब्लू वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और मुझे लगता है कि फिले लगून में इससे भी ज़्यादा क्लियर है। वो ड्रिंकिंग वाटर भी कहा जाता है उसको, इतना साफ है। यहाँ से वो सामने तक इतना जो है वो आप जा सकते हो, वो बिल्कुल आप वॉक करते हुए जा सकते हो, इतना क्लियर और इतना मतलब नॉर्मल है, डेप्थ नहीं है। लेकिन फिर आगे जाके एकदम से वो डीप सी शुरू होता है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी हम यहाँ पे और देर रुक नहीं सकते क्योंकि हमारे आगे जो स्पॉट्स हैं वो ना मिस हो जाएं। चाचू चले अगले स्पॉट पे। चाचू देवदास, जिस टाइम मैं ड्रोन उड़ा रहा था उस टाइम बांदर पड़ गए हसन के पीछे, उनको क्या लगा कि तू दरख्त है केलो वाली शर्ट है? नहीं वैसे किस हद तक पीछे पड़ा था बाबा? फूल दौड़ा पीछे? नहीं फूल नहीं दौड़ा, बस ये है कि थोड़ी सी जुड़की उसने मेरी लगवाई है। मेरी असल में जब ड्रोन उड़ा रहा तो मेरी नजरें सिर्फ कंट्रोलर पे होती हैं कि क्या शॉट आ रहा है क्या नहीं। उसमें से मुझे नैनो सेकंड के लिए मैंने देखा बांदर भाग रहे हैं, अरसलान और हसन पानी में भाग रहे, मुंह बने हुए पूरे। मैं कह जाओ निपटाओ आप ही। बहुत खूबसूरत जगह है यार। क्या सीन हुआ भाई? ये पानी अंदर, ये पानी बाहर। कुछ समझ नहीं ये देखो एकदम सबने लाइफ जैकेट्स पहन लिए लेकिन अरसलान नहीं पहन रहा, पता नहीं क्यों। अरसलान को शायद डीप सी डाइविंग आती है।
मैं तो मजाक के अलावा मैंने गोप्रो रखा अपनी टांग के नीचे, ये डंडे को मैंने जोर से पकड़ा और मैंने मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि जब मैंने एक दफा इधर देखा ना तो कश्ती इस तरह थी बिल्कुल, मेरे इस लेवल पे पानी मैं कहीं यार लगे। लेकिन उसके बाद अब जाके हम किनारे पहुंचे, रिलैक्स हुए। अभी मुझे ज्यादा डर ये लग रहा है कि वापस भी जाना है, क्योंकि शाम हो रही है, शाम को समंदर ऊपर आना शुरू हो जाता है और ऊपर से मौसम ऐसे ले रहे, इतनी तेज है यार, ओए होए होए, मुझे एकदम लगा था कि कसम से हम गए, इतनी खतरनाक किस्म की वो कश्ती इस तरह और इस तरह, ये वाली दूसरी बड़ी बोट ऐसे हो तो वो बंदा फिर भी रिलैक्स रहता है, उसका वेट ज़्यादा है, वो मैनेज हो रहा है, ये तो बिल्कुल पानी अंदर शर। ओए होए होए, हसन ने एक हाथ इधर से पकड़ा हुआ था, एक उधर से, एक टांग इधर फंसा के एक इधर बैठा था मुँह नीचे करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी यार, जिस सीन में से हम लोग इस टाइम गुजर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ आप चेक करो, ये बीच में पहाड़ कटे हुए हैं नीचे से और बीच में साफ पानी गुजर रहा है। ओफ यार, क्या खूबसूरत मंजर है, ये क्या खूबसूरत मंजर है, मैं कसम से हैरान हूँ इन चीज़ों को देख के, मैं समझ नहीं आ रही क्या बंदा बोले क्या ना बोले। पहाड़ इस तरह मतलब पिघल के नीचे आए हुए, जिस तरह इतने प्लेन पहाड़। दिस इज़ फिले लगून और ये क्या ही खूबसूरत जगह, मतलब एक से एक बढ़ के जगह आ रही है यहाँ पे। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने उससे पूछा है कि यार मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ, इतनी प्यारी ये जगह है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे ड्रोन नहीं अलाउ नहीं है, अगर तुमने हथकड़ियाँ लगवानी है तो यहाँ ड्रोन उड़ा लो, वरना यहाँ पे ड्रोन मत उड़ाओ। अच्छा, अभी स्नॉर्कलिंग एक स्पॉट पे की थी मैंने, लेकिन मसला ये कि शाम हो चुकी है तो ऊपर से रोशनी इतनी आ नहीं रही, नीचे पानी में कोई ख़ास इतना नज़र नहीं आ रहा, बस थोड़ी बहुत मछलियाँ फिरती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं तो निकल आया था दूसरे स्पॉट पे स्नॉर्कलिंग, अरसलान कर रहा है और बाकी हसन उमेर और मैं तो नहीं कर रहे फिलहाल, यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरफ जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाइकिंग केव्स, ये आपको जो इतने बड़े बड़े ऐसे जिन टाइप नुमा नज़र आ रहे हैं। अब वाइकिंग केव्स ये पहाड़ के अंदर मतलब सुरंगें टाइप बनी हुई हैं, और इंटरनेट पे हमने सर्च किया था कि यहाँ पे लोग अंदर जाते हैं या नहीं, इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने बोला भाई इसके अंदर पता नहीं क्या क्या मखलूक है, परिंदे मतलब के चमगादड़े, हो सकता है कि वो वुल्फ बैट होती है, कौन सी होती है वो बड़ी बड़ी, हाँ वुल्फ बैट टाइप चीज़ें, या बड़ी बड़ी हाँ पता नहीं क्या ऐसी, वो जो बड़ी सी एक वो बड़ी चमगादड़ होती है, ऐसी चीज़ें अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला भाई कि बिल्कुल अंदर जाने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं है, अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत डीप है अंदर ये पहाड़ों के अंदर। फिलहाल तो ये है कि हम सोच रहे हैं कि बस अब वापस चलें, क्योंकि शाम हो रही है, अब शाम को पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो लहरें बहुत तेज़ हो रही हैं। निकलें भाई, चलो चाचा ले चलो वापस। लो जी, मुझे पता है कि आगे समंदर की लहरों ने क्या करना है अभी हमारे साथ, अल्लाह बस खैर करे। मैं बिल्कुल भी कैमरा कोई भी ऑन नहीं करूंगा, सारा कुछ अंदर रख दूंगा, तो इसलिए अगले शॉट में सीधा आपको भाई मिलेगा पीपी पे। अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे हैं, मजाक के अलावा अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे। टैटू, इट वॉज एन अमेजिंग डे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत है पीपी आइलैंड्स और जहां हम गए थे फिले लगून, उसके अलावा माया भी हम जा नहीं सके, जहां पे मैंने बताया कि लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी शूट हुई थी, वो आज वहां पे लहरें बहुत तेज़ थी, इवन उससे पीछे बहुत तेज़ थी, तो वो इसलिए माया भी उन्होंने आज बंद किया हुआ था। मुझे अक्सर जगह पे ये फील होता है कि मैं किसी मूवी के अंदर फिर रहा हूं, ये इतना सब कुछ, ये असल कैसे हो सकता है, मतलब जहन कबूल नहीं करता इन चीज़ों को। स्ट्रेट पहाड़, ग्रीनरी ऐसे कि ड्रोन में से अक्सर ऊपर से लगता है कि ब्रोकली पड़ी हुई है, पानी इतने रंग का, मतलब ब्लू, उसके बाद लाइट ब्लू, वो फ्रोजी सा रंग आ जाता है। कोरल रीफ्स जो हमने वो स्नॉर्कलिंग की है उसमें क्या क्या चीज़ें यार, इतना खूबसूरत। मैंने ये चीज़ सोच ली है कि थाईलैंड में इंशाल्लाह बार बार आऊँगा और एक थाईलैंड का बाइक ट्रिप मैं लाजमी करूँगा ज़िंदगी में। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दो हमें याद रखना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्त है। कल मिलते हैं एक और नई मज़े की जगह के साथ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर।
ओए मैंने देखा, मैं पानी के लेवल पे ऐसे हुआ था।